बच्चों आप सभी का स्वागत है कार्यपत्रक तिहत्तर में और आज हम एक से अधिक व्रतों पर स्पर्श रेखाएँ खींचना सीखेंगे जो कि हमने पिछली कार्यपत्रक बहत्तर में भी किया था तो आज जो हम उदाहरण लेने वाले हैं उससे पहले शुरू करने से पहले मैं आप सभी को लक बोलना चाहूँगी आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छे से अपने पेपर्स करना सभी स्कूल्स सभी बच्चों के लिए पेपर्स कंडक्ट कर रहे हैं है ना तो आपकी प्री बोर्ड एग्जाम या तो हो गया है या होने वाला है तो ध्यान रखिएगा अच्छे से अपने पेपर्स करिएगा बोर्ड एग्जाम की तरह काम करो एकदम मन लगा कर ओके पहला क्वेश्चन देखते हैं तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्रत खींचिए तो जैसे हमने तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्रत खींच दिया ठीक है ये तीन सेंटीमीटर त्रिज्या लिया हमने उसके बाद इसके बढ़ाए गए व्यास पर इसका बढ़ाया गया व्यास तो हमने व्यास लिया इसको बढ़ाया तो जैसे ये व्यास है इसको हमने बढ़ा दिया ऐसे बढ़ा दिया पी बिंदु तक और क्यू बिंदु तक उसके बाद केंद्र से सात सेंटीमीटर की दूरी ये केंद्र से सात सेंटीमीटर की दूरी पर है कितना बढ़ा है सात सेंटीमीटर बढ़ा है दोनों तरफ में ठीक है दो बिंदु पी क्यू लिए इन दोनों बिंदुओं से व्रत पर स्पर्श रेखाएं खींचे याद आ रहा है वर्कशीट नंबर सेवेंटी टू में मैंने सेम क्वेश्चन किया था यह हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन था जो मैंने आपको करके दिखाया था ठीक है तो ये आपको करके दिखाया गया है अब हमने इसको कैसे किया था एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं ये बनाने के बाद हम इसका क्या करते हैं लमसमधिभाजक बनाते हैं यानी इसके केंद्र से और क्यू से एक चाप ऊपर एक चाप नीचे एक चाप ऊपर एक चाप नीचे ऐसे करके ये आपका लमसम धिभाजक बन गया अब एन बिंदु से हम एक और व्रत बना देते हैं जो ये डॉटेड उससे बन रहा हुआ है ठीक है इसी तरह हम यहाँ पर भी ऐसे करते हैं लमसम दिवाचक बनाते हैं दोनों तरफ से तो फिर अब केंद्र बन जाता है एम पॉइंट उससे हम एक वृत्त बना देते हैं जो डॉटेड लाइन में बनाएं तो ये जहाँ पर इसको टच कर रहा है डॉट वाला सर्कल और ये लाल सर्कल जो बनाए जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ये आपका बिंदु है जिसको आपको पी से मिलाना है और आपकी स्पर्श रेखा बनेगी तो आप इस पॉइंट को मिलाते हो जहाँ पर दोनों व्रत आपस में मिल रहे होते हैं यहाँ पर इस जगह पर मिल रहे हैं व्रत इसको मिलाते हो ऐसे और इस जगह सी पॉइंट पे ये व्रत और ये डॉटेड व्रत यहाँ पे मिल रहा है तो ऐसे मिलाते हो और ये ऐसे मिलाते हो इस तरीके से तुम्हारी स्पर्श रेखाएं बन जाती है मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें आया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में आता ही है बहुत ईजी है देखो ये सर्कल बनाया था इसको बढ़ा दिया दोनों साइड में सात सेंटीमीटर इस जगह से लमसम दिवाचक बनाया एंड पॉइंट से फिर एक और सर्कल बना दिया तो इसने पुराने सर्कल को जहाँ टच किया ये पॉइंट सी पॉइंट हुआ इसको मिला देते हैं तो स्पर्श रेखा बन जाती है और ये स्पर्श रेखा बराबर होती है से यहाँ इसी प्रकार से यहाँ करते है। यहां हैं यहाँ पे ए बिंदु और बी बिंदु हो जाता है जहाँ पे दोनों व्रत आपस में मिल रहे हैं एक आपका डॉटेड डॉटेड लाइन से सर्कल है एक आपका पहले वाला तीन सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला व्रत इसको मिला दिया ये बन गई आपकी तो इस प्रकार से आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखाएँ बन गई हैं ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं आठ सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे तो ए भी हमने आठ सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड बनाया ठीक है उसके बाद ए को केंद्र मानकर ए को केंद्र मान के चार सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्रत बनाया तो एक व्रत बना दिया चार सेंटीमीटर ओपन करके हमने एक व्रत बना दिया तो हमारा ये बन गया ठीक है इसी प्रकार से हमने बी को केंद्र मानकर तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्रत बना दिया ये बना दिया तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्रत तो व्रत पर प्रत्येक व्रत पर दूसरे व्रत के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कर लीजिए ठीक है अब यहाँ पे रचना करनी है तो अब कैसे बनेगा अभी है? अब यहाँ से मुझे बी के ऊपर बनाना है यानी कि देखो तुम्हारा ऐसे बना है एक लाइन थी यहाँ पर एक सर्कल बन गया एक ये सर्कल बन गया अब मुझे इसके केंद्र से इस पे स्पर्श रेखा खींचनी है और इसके केंद्र से इस पे स्पर्श रेखा खींचनी है तो हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच में लमसम विभाचक बनाएंगे इन दोनों के केंद्र से ये केंद्र से थोड़ा मैंने आगे बड़ा की तरफ बना दिया केंद्र ऐसे हुआ इसका लमसम दिभाजक बनाओगे ऊपर नीचे यूं ये पॉइंट मिल जाएगा इस पॉइंट से हम एक और सर्कल बनाएंगे ऐसे करके जाएगा ठीक है तो ये तुम देख रहे डॉटेड डॉटेड ये ऐसे करके बन गया अब इसने जिस जिस जगह पर टच किया इस डॉटेड सर्कल ने पुराने सर्कल को तो ये बिंदु ले लिया और इसको ए से मिला दो तो ये तुम्हारी पहली स्पर्श रेखा बन गई यानी इस बिंदु से इस जगह पर ऐसे स्पर्श रेखा बन गई इधर से हाँ और इसने इस जगह पे टच किया ये बी से बना दो बी के केंद्र से यानी इधर से और ये इस जगह पर तो ये बन गए इजी है ना आसान है ना सिर्फ अपने माइंड को फोकस रखे होगे ना ये पॉइंट देख लोगे कौन से कहाँ और हैं इसलिए हम इसको डॉटेड सर्कल करके थोड़ा अलग रंग से अलग ढंग से बनाने की कोशिश करता कि एकदम दिख जाए आपको समझाने में आसानी हो बाकी एक बार अपने हाथ से बना लेते हो फिर ये बनाना मुश्किल नहीं लगता बहुत आसान लगता है तो ये सब ये क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे इस प्रकार से आपका बन गया तो अब ये पहला प्रश्न है तुम्हारा चार सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्रत खींचिए जैसे एक व्रत बनाएंगे हम चार सेंटीमीटर का और इसके बढ़ाए गए व्यास पर इसके व्यास को बढ़ा दिया नौ सेंटीमीटर की दूरी पर तो नौ सेंटीमीटर बढ़ा दिया तो देखो ये चार सेंटीमीटर तो इधर था चार इधर था तो चार और पाँच बढ़ा के ये नौ हो गया यानी केंद्र से यहाँ तक टोटल नाइन है ठीक है इसी तरह यहाँ पर ये टोटल नाइन है तो ये क्वेश्चन हमने वर्कशीट नंबर सेवेंटी टू में ऐसा ही क्वेश्चन किया है वो आपने सात सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया ये नौ सेंटीमीटर है हमने सात सेंटीमीटर का लिया और बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया है तो मैं आज दूसरा वीडियो अटैच नहीं करूँगी बच्चों मुझे लगता है तुम इसको बना सकते हो इतने बिल्कुल आसान चीज़ पर दोबारा उसको बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है पर वैसे मैं आपको इसी बोर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ कैसे बनेगा ठीक है देखो तो तुम क्या करोगे फिर से इसको एक बार साफ साफ कर लेते हैं कि एक सर्कल बनाएंगे सबसे पहले हम तीन सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल बनाया उसके बाद उसका व्यास ले लिया नौ सेंटीमीटर की दूरी पे एस और टी दो बिंदु अब केंद्र से यहाँ तक लमसमधिवाचक बनाएंगे दोनों का ठीक है इधर से भी लमसम दिवाचक बराबर दूरी है तो इकट्ठे इकट्ठे बना के चल सकते हैं ये जो पॉइंट हुआ इससे एक और सर्कल बनाएंगे इसको हमने डॉटेड करके बना दिया इससे भी हम एक और सर्कल बनाएंगे ऐसे डॉट डॉट करके बना दिया तो अब ये जो पॉइंट्स मिले हैं इसको यहाँ से मिला दो ये जो पॉइंट्स हुए इसको यहाँ से मिला दो इस जगह पर ये तुम्हारा सर्कल बन गया ये देखो क्या करा हमने पहले काले रंग का सर्कल बनाया जो तीस सेंट आ, कितनी त्रिज्या है उसकी चार सेंटीमीटर त्रिज्या का ये आपका चार सेंटीमीटर त्रिज्या का है अब यहाँ से केंद्र से दूरी ली नौ नौ सेंटीमीटर की ठीक है ये तुम्हारा चार सेंटीमीटर हुआ बीच वाला और इधर नाइन सेंटीमीटर की दूरी पे बन गए दोनों अब तुमने उसके बाद इसका लमसम दिवाचक बनाया केंद्र से दूरी पर वो यहाँ पर कहीं बनेगा इसके मध्य बिंदु में ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ कहीं बन जाएगा ऐसे यहाँ बन जाएगा और केंद्र लेते हुए हमने यहाँ पर नीले रंग का ये व्रत बना दिया ये केंद्र लेते हुए जैसे इसको तुम एम पॉइंट मान लो कुछ भी पॉइंट मान लो एम मान लो इसको एन मान लो ये तुम्हारा लमसम दिवाचक है डॉट डॉट करके जो बनाए गए ठीक है और फिर तुमने ये नीले रंग का व्रत बना दिया यहाँ पे हरे रंग का व्रत बना दिया अब ये काले व्रत को नीला व्रत कहाँ टच कर रहा है इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो यहाँ से एक वो बना दो तुम स्पर्श रेखा ये बन गई तुम्हारी एस बिंदु से ठीक है इसी बेकार यहाँ से बना दो नीला और काला जहाँ टच कर रहा है ये तुम्हारी स्पर्श रेखा बन गई एस बिंदु से ओके अब यहाँ पर देखो ये काला वाला पुराना जो सर्कल है जो नया सर्कल है हरा वाला ये अलग रंग मैंने इसलिए रखे आपको समझ जाए ये दोनों कहाँ टच कर रहे हैं इस पॉइंट पे टच कर रहे इस पॉइंट पे ये टी से मिला दो ठीक है और ऐसे ही यहाँ पर बन गए तो ये ऐसा नजर आएगा इस तरीके का ठीक है क्योंकि तुम्हारी पेंसिल में तो एक ही रंग रहेगा दो तीन रंग ऐसे नहीं दिखाई दे सकते तो सारा पेंसिल के अनेक, अनेक 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 इस तरह से निशान नजर आएंगे ठीक है मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा और वर्कशीट नंबर सेवेंटी टू में मैंने ये बना रखा है तो आप तुम तो उस वीडियो को देख सकते हो अगर कुछ कोई दिक्कत रह गई है तो अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू है कि चार सेंटीमीटर त्रिज्या के एक व्रत पर छः सेंटीमीटर त्रिज्या का संकेंद्रीय व्रत तो अब इसने बोला संकेंद्रीय व्रत ऐसा क्वेश्चन भी हमने पिछली बार किया था चार सेंटीमीटर का बनाओ फिर छः सेंटीमीटर का बनाओ ये चार का है और बाढ़ वाला छः का है तो बाहर वाले व्रत से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापी ये भी बोला है तो यहाँ से आप जो भी वो करोगे आ, ये आपका यहाँ से आपको इस पुराने वाले पे ऐसे स्पर्श रेखा बनानी है तो इसका तरीका क्या रहेगा लमसम दिभाचक बना के एक और व्रत बनाओगे चलो इसको करते हैं हम देखो क्या करोगे सबसे पहले तुम ये हरे रंग का जो सर्कल है वो बनाओगे फिर ये लाल रंग का सर्कल बनाओगे ये तुम्हारा छः छः सेंटीमीटर का है ये चार सेंटीमीटर का है छः सेंटीमीटर पहले चार सेंटीमीटर बनाया फिर छः सेंटीमीटर बनाया उसके बाद यहाँ से लमसम दिभाजक बनाया इतनी दूरी से ये बन गया तो यहाँ से एक और व्रत बना दिया ये व्रत मैंने बनाया नीले रंग का जो नया व्रत बनाया अब ये जो नीला और हरा व्रत जहाँ मिल रहे हैं पुराना वाला जो चार सेंटीमीटर का था उसी पे बनानी है ना वे त्रिज्या छः वाले से तो यहाँ से आप इसको मिला दीजिए ये तुम्हारी स्पर्श रेखा होगी अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका अच्छे से बनाना ये तुम्हारा बन गया है ये और इसको फिर नापना है और इनकी लंबाई बराबर आएगी नापोगे तो वो बराबर आनी है ठीक है आप इसको नाप लीजिएगा इस तरह से प्रश्न हो गया आसान था ना इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में लाइक करो और कमेंट्स करो मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है बच्चों ये इस हफ्ते की आखिरी वर्कशीट है इस फ्राइडे को कोई नई वर्कशीट नहीं आने वाली आपकी अब लोग हम लोग नए साल में ही मिलेंगे बच्चों ये जो 2020 था इसने हमारी लाइफ को बहुत ढंग से बदल के रख दिया है हमने बहुत कुछ खोया है इसमें बड़े नुकसान भी हुए हैं और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला है अनेक प्रकार के चेंजेस हमारी लाइफ में आ गए हैं बच्चों मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि दिसंबर के सेकेंड वीक में, में मेरी तबीयत कुछ खराब हुई और टेस्ट कराने पर पता चला कि मुझे कोविड हो गया है डॉक्टर की सलाह पे मैंने मेडिसिन ली थोड़ा थोड़ा काम किया थोड़ा थोड़ा आराम किया और इस तरह से मैंने आपकी वीडियोस बनाती रही मैंने वीडियोस बनाना छोड़ा नहीं मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से आपकी स्टडीज़ पर कोई बैड इफ़ेक्ट पड़े सो मैंने ये किसी को बताई नहीं बात और अपना काम शुरू रखा और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैंने फिर से अपना चेकअप करा लिया थोड़ी कमज़ोरी ज़रूर आ गई बच्चों लेकिन ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी अब मैं अपनी अब लाइफ में जो सिचुएशन हमारे पास आती हैं बच्चों हर घटना दो रास्ते देकर आती है यदि मैं चाहती तो सबको ये बताती मुझे कोविड हुआ अपना काम छोड़ देती है आराम की आवश्यकता है लेकिन मैंने सोचा कि जितना हो सके मैं इस काम को शुरू रखूं क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं और मैं मानती भी थी कि कोई भी परेशानी तुम्हें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं आती वो तुम्हें विनर बनाने की कैपेसिटी भी रखती है बच्चों आप लोग चाहो तो अपने जीवन में इस बात को ध्यान रख सकते हो कि जब भी कोई परेशानी की चीज़ आए तो उसे घबराना नहीं होता उसे लड़कर उससे बाहर आना होता है अब हम अपने आप को कमज़ोर बनाते हैं या ताकतवर बनाते हैं ये सब हमारे मन की सिचुएशंस पे डिपेंड करता है आपके मन की स्थिति कैसी है और मेरे ख्याल से हम सब जीतना पसंद करते हैं हारना हम में से किसी को भी पसंद नहीं है इसलिए सिचुएशंस के आगे प्रॉब्लम्स के आगे जो भी घटनाएं आते हैं उसके आगे हार नहीं माननी चाहिए कोशिश करना चाहिए उससे फाइट करना चाहिए और मैथ्स के रूल्स के अलावा जो मैं तुम्हें इतने समय से पढ़ा रही हूँ आपस में कनेक्टेड हैं फ्रेंड्स बन गए हैं तुम अगर मुझसे ज़िंदगी में ये चीज़ भी सीखोगे तो मुझे ये बहुत बहुत खुशी होगी क्योंकि मैं तुमने मेरा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा होगा तो मैंने उसमें ये लिखा है कि टुगेदर वी विन हम सब मिलके इकट्ठे जीतेंगे कि कोई किसी का किसी से कंपटीशन नहीं हमारा अपने आप से कॉम्पिटिशन है ना हमें किसी से ईर्षा द्वेश की भावना नहीं है हम अच्छी चीज़ों में अपने आप को बना के हम अपने देश को आगे अपने परिवार को आगे तभी ले जा सकते हैं जब हम खुद से अंदर बिल्डअप हो जाए सो so मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के अंदर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो और इसके अलावा मैथ्स भी पढ़ते रहेंगे साथ में है ना तो अगर तुम ये सीखोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी बच्चों चलो ये सब बातें ख़त्म करते हैं अब नए वर्ष की बातें करते हैं कि आने वाले सभी मेरे सभी दोस्तों को बच्चों को जो नया वर्ष 2021 आने वाला है बहुत बहुत शुभकामनाएं ये नया साल आप सबके लिए मंगलमय हो और ये सब चुनौतियाँ जो 2020 में आए वो सब खत्म करें भगवान अल्लाह हमारा ध्यान रखें ठीक है बच्चों हम सब के जीवन में सूर्य चांद सितारे चमकते रहें नए सूर्य का उदय हो इसी शुभकामना से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार बाय बाय